Assalamu alaikum all viewers, welcome to my channel MCQs for you. So now we will upload PST paper MCQs. PST paper के MCQs आपके साथ share करते हैं. ये paper बनू और कुहार division के लिए ईटा के थ्रू conduct हुआ है आज ही के दिन. तो शुरू करते हैं PST का paper question number 1 से. question number 1 को देखिए, MCQs के डैम नज़र आ रहे होंगे लेकिन मैं पढ़ के read करता हूँ, आप साथ note करते जाएँ. question number 1 को देखें जी, इसमें जी वो पूछ रहे हैं द चाइल्ड ऑफ कॉबलर हैज़ नो शू. इस जुमले को अगर हम ग्रामेटिकली देख लें, ये जुमला क्या हो सकता है? मोची के बच्चे के शू नहीं है, द चाइल्ड ऑफ कॉबलर हैज़ नो शू, ये आयरनी है. ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, आयरनी. क्वेश्चन नंबर 2 को देख ले, चूज द करेक्ट सेंटेंस. करेक्ट सेंटेंस हमने ढूंढना है, आवर हाउस इज़ बिल्ट ऑफ ब्रिक्स. और होम इज़ बिल्ट ऑफ ब्रिक, हाउस नहीं है, होम है. और होम इज़ बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, बिल्ड के बाद हम ऑफ लगाते हैं, और होम इज़ बिल्ट ऑफ ब्रिक्स. ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 को देख ले, आई विल फाइट यू विद माउ विद टूथ एंड नेल्स. टूथ एंड नेल यहाँ पे इज़ अ प्रेडिकेट यूज़ हुए हैं, एज अ प्रेडिकेट. ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है. एंड क्वेश्चन नंबर 5 को देख ले, यू मे रेली बाय आवर डूइंग्स आवर आउटमोस्ट. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बाय लग सकता है, बाय इज अ रिस्ट प्रीपोजिशन दैट कैन बी यूज हेयर. बहरहाल इसको आप खुद भी ज़रा कन्फर्म कर लें, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू बाय हेयर इज अ करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 5 में जी वो आपसे पूछ रहे हैं, इज जिनाकल इज अ लैम्ब. इज जिनाकल इज अ लैम्ब, यहाँ पे लैम्ब ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है. ये एक आइडियामेटिक जुमला है, लैम्ब यहाँ पे लगेगा. ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 को देख ले, हु हेडेड द कमीशन फॉर्म्ड बाय अयूब खान फॉर ड्राफ्टिंग दी 1962 कॉन्स्टिट्यूशन. 1962 के आइन के लिए अयूब खान ने जो कमीशन बनाई थी, उस कमीशन के हेड कौन थे, इस कमीशन का हेड सरबरा कौन था. ये कमीशन जस्टिस शहाबुद्दीन इसको हेड कर रहे थे, ये इसके हेड थे जस्टिस शहाबुद्दीन. ऑप्शन ए में आप इसको देख लें, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 को देख ले, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में कितने छोटे थे. ये 6 साल छोटे थे. ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है. बाज़ जगहों पे 5 साल भी हैं, लेकिन 5 साल यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 6 साल हो सकता है. बहरहाल इसको भी आप ज़रा देख लें, क्योंकि हज़रत सल्लम की पैदाइश जो है वो 571, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह की पैदाइश 576 है. अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल इमोशन एक्सपीरियंस. इमोशन एक्सपीरियंस को लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है, लिम्बिक सिस्टम. ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है. और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, डेश इज अ थिक विस्कस लिक्विड विच फिल्स द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड अ सेल मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो थिक विस्कस लिक्विड पाया जाता है, हम इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी रिएक्शंस होते हैं विद इन अ सेल. साइटोप्लाज्म इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. एंड क्वेश्चन नंबर 10 को देख ले, व्हेन ही रिटर्न्स ही वाज अकंपेन्ड बाय स्प्राइटली ओल्ड लेडी. स्प्राइटली वर्ड को इन्होंने अंडरलाइन किया है और पूछ रही कि इसकी मायने क्या हो सकती है. स्प्राइटली मीनिंग इसकी मायने हो सकती है एनर्जेटिक, जो बंदा एनर्जेटिक हो. यहाँ पे एनर्जेटिक वर्ड के लिए हम स्पोर्टिव मीन वो बंदा कि जो मतलब दौड़ता हो, खेलता हो, स्पोर्ट्समैन हो. यहाँ पे लेडी के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब है कि लेडी तो ओल्ड है लेकिन एनर्जेटिक स्पोर्टिव है. ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, बल्कि है. क्वेश्चन नंबर 11 को देख ली, यू मे सिट ऑन अ थ्रोन ऑफ लाइज, ये पर्सनिफिकेशन के तौर पे यूज़ हुआ है. ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. एंड क्वेश्चन नंबर 12 को देख ली, शी इज़ फिट बिकॉज शी गोज रनिंग एवरी डे. बिकॉज यहाँ पे लगेगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 13 को देख ले, वीडियो का आखिरी सवाल इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ बाकी एमसीक्यूज शेयर होंगे. दिस पेंट विल एडहेयर टू एनी सरफेस, विल एडहेयर टू. ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. सो दिस वर्ड पार्ट फर्स्ट एमसीक्यूज ऑफ पीएसटी पेपर इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ हाजिर होंगे. तो तब तक के लिए स्टे विद अस. कोई भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.